गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। लगभग एक या दो माह के अंतर्गत आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। मैं अपने वादे के अनुसार, जैसा कि मैंने कहा था बच्चों, आपके लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही काम का मटेरियल मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम एक नए तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्जाम आइडिया। अर्थात यहां हम यह सीखेंगे कि हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करनी है, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं उन्हें किस प्रकार हल करेंगे, नंबर किस प्रकार मिलेंगे, लिखना कैसे है, सब बातों की बच्चों आपको जानकारियां समय समय पर दी जाएंगी। हमारा उद्देश्य यह है कि हमसे जुड़ने वाला प्रत्येक बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए। बच्चों, अब यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की बात नहीं की जाएगी, केवल और केवल हमारा फोकस बोर्ड एग्जाम पर है। हमें कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक किस प्रकार लाना है, हम केवल इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी बकाया सब बातों को भूल जाएंगे। लक्ष्य केवल एक है हमारा बच्चों, कि हमें कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम में रसायन विज्ञान में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना है। आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में हम और आप मिलकर आज यह नई सीरीज जिसका नाम है एग्जाम आइडिया का प्रारंभ करते हैं। हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ही इससे संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे, ठीक है ना बच्चों? आज चूंकि संडे है और मैंने यह तय किया है कि प्रत्येक रविवार को आपकी रसायन विज्ञान का सबसे कठिन भाग कन्वर्जन और रोड मैप वह लेके आएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, प्रत्येक रविवार को आपके रसायन विज्ञान के सबसे कठिन भाग कन्वर्जन और रोड मैप के बारे में जानकारियां देंगे। उसके बाद बकाया 6 दिनों में अल्टरनेट दिन में आपको एक दिन बोर्ड परीक्षा का किसी ना किसी बोर्ड का एक पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाएगा और उस पेपर से संबंधित सभी तथ्यों को बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा, जिससे आप अच्छे अंक ला सकें। अगले दिन उससे संबंधित आपकी सभी शंकाओं का भी समाधान किया जाएगा। तो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कैसे पढ़ाई करना है? रविवार का दिन हमें कन्वर्जन और रोड मैप करने हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है। बकाया दिन में एक बोर्ड पेपर करेंगे, अगले दिन उसकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। चलिए, आज हम क्या करते हैं, कन्वर्जन की बात करते हैं। तो कन्वर्जन बच्चों, हम आज हो सकता है आपको एक आध ही एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन प्रश्न यह आता है कि कन्वर्जन में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझना बेटा, कन्वर्जन में हमें कौन कौन से तथ्य याद रखने हैं जिनको हमें कभी नहीं भूलना बेटा, हमेशा याद रखना अपने साथ। सबसे पहली बात हमें यह याद रखनी है, वह हम कहेंगे वह रिएक्शन जिनमें कार्बन बढ़ता है, ये कॉमन बात याद रखनी बेटा हमें, ना, जिनमें कार्बन बढ़ता है। अगर कार्बन बढ़ाना हो मैं तो कुछ रिएक्शन आनी चाहिए, इसके अलावा भी है बेटा, देखिए यही है, ज्यादातर इनका यूज होगा। तो इसके लिए आपको बेटा मुख्यतः 2-3 रिएक्शन याद रखनी है। सबसे पहली आपको याद रखनी है जिनमें हमारा कार्बन इंक्रीज होगा, सबसे पहली हमें याद रखनी है वुड्स रिएक्शन। हमें वुड्स रिएक्शन याद रखनी है बेटा, है ना, इनकी चर्चा मैं अभी करूंगा, अगले कालांश में सही से चर्चा की जाएगी। वुड्स रिएक्शन में जो कार्बन है
वो डबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा? कार्बन डबल हो जाते हैं, दो गुना हो जाते हैं। रिएक्टेंट हमें दिया है, एक कार्बन का प्रोडक्ट दो कार्बन का बनाना है तो बोट्स लगा देंगे। दूसरी बात, दूसरा हमें हमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन को बढ़ाता है। बेटा यह बोट्स रिएक्शन जो होती है, यह होती है एल्काइल हैलाइड में, अर्थात हमें रिएक्टेंट को एल्काइल हैलाइड में बदलना पड़ेगा, फिर कार्बन बढ़ेंगे। और यहां जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, यह सामान्यतः है एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन बढ़ाने के लिए काम में आ जाती है। यह एल्डिहाइड और कीटोन बना देंगे, उसके बाद कार्बन बढ़ा देंगे, फिर रिएक्शन आगे करेंगे, मतलब कार्बन इससे बढ़ सकता है। नंबर तीन सी, हम क्या करेंगे, KCN से भी साइनाइड, यानी क्या बना दें, हम साइनाइड बना दें, इससे भी हम कार्बन बढ़ा सकते हैं। ये कैसे बढ़ेगा भाई? पहले हम हैलाइड बनाएंगे, उस पर KCN की रिएक्शन कराएंगे तो साइनाइड बन जाएगा, यानी हमें साइनाइड बनाना आना चाहिए कि साइनाइड बनेगा तब भी हमारा कार्बन बढ़ जाएगा, ठीक है ना? यह रिएक्शन बच्चों एलिफैटिक एरोमेटिक सभी तरह के कंपाउंड में उपयोगी है। एक और रिएक्शन है चौथी, जो केवल एरोमेटिक में आएगी, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यह भी बेटा यह भी कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन है, जो कि केवल एरोमेटिक कंपाउंड्स में उपयोगी है। तो पहला काम आपका हो गया कि वह रिएक्शन जिनमें कार्बन बढ़ता है उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। मैं आपको बताऊंगा दोबारा से, इनमें कार्बन बढ़ता है इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना? चलिए दूसरी बात और हम बात समझें, ये बात नोट कर लेना, आपने इसको नोट कर लेना बेटा, ना पॉज करके नोट कर लेना, नहीं तो यानी कार्बन किस में बढ़ता है बेटा? जो कार्बन है वो इंक्रीज किस में हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था किस में, बोट्स में, इसके अलावा ग्रिगनार्ड रिएजेंट में, इसके अलावा साइनाइड में और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, यह कार्बन इंक्रीज हो गया। अब हमें कार्बन डिक्रीज की रिएक्शंस भी पढ़नी है हमें, वह रिएक्शन जिनमें कार्बन घट जाता है, तो उनकी रिएक्शन जो आपकी है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन हमें डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ना है, और हमें पढ़ना है हाफमैन ब्रोमेमाइड, अर्थात हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जिन दोनों में मुख्यतः, मैं क्या कह रहा हूं, इसके अलावा भी हैं लेकिन ज्यादातर इनका यूज होता है जिनमें कार्बन घटता है। डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का होता है, और हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइड्स में होती है, अर्थात हमें यहां बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम कार्बन को घटा सकते हैं, यानी दो रिएक्शन कार्बन कम करने की मुख्यतः उपयोग होनी है। मैं क्या कह रहा हूं, इसके अलावा भी हैं लेकिन आपके सिलेबस में 90 और 95% इनसे ही काम चल जाएगा, इनसे ही काम चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मुख्य अभिक्रियाएं, मुख्य अभिक्रियाएं या मुख्य पदार्थ, क्या कहें बेटा, मुख्य अभिक्रिया ना कह के क्या कहें हम, मुख्य पदार्थ, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनसे ज्यादातर कंपाउंड बनाने का रास्ता निकल आता है, ज्यादातर कंपाउंड बनाने का रास्ता निकल आता है। सबसे पहले अगर एरोमेटिक है तो आप दो चीजें याद रखें, बेंजीन और दूसरा बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड,
इनसे ज्यादातर पदार्थ बन जाएंगे, ज्यादातर एरोमेटिक पदार्थ इनसे बन जाएंगे, यानी इनमें आपको ये दो याद रखना है तो आपका काम हो गया, ज्यादातर काम हो जाएगा। अच्छा, एलिफेटिक में एल्कोहल, एल्कोहल से भी बहुत से पदार्थ बन जाते हैं। अगर यह एरोमेटिक है तो इसमें फिनॉल भी काम कर सकता है, फिनॉल भी इसमें आ जाता है, और फिनॉल से भी बहुत से पदार्थ बन जाते हैं एरोमेटिक। इनकी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है। अगली एमाइन, कौन सा बेटा? एमाइन में कौन कौन से? दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो आपको मुख्यतः बेटा इन पे कंसंट्रेट करना, पहले इनको हम आपको अलग से व्याख्या करेंगे कि इनको हम कैसे समझेंगे। प्रश्न क्या याद रखना बेटा आपको? बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एल्कोहल और फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें अच्छे से पढ़ना है। ज्यादातर कन्वर्जन इनके सहारे ही संभव हो जाते हैं। ज्यादातर आपके उसमें तो बहुत कुछ था, भी एल्काइल हैलाइड्स था, एराइल हैलाइड्स था, ईथर था, कार्बोक्सिलिक एसिड थे, एल्डिहाइड कीटोन्स थे, एमाइड्स थे। इनको कुछ को हमें ज्यादा कंसंट्रेट नहीं होना कन्वर्जन में, हमें इनसे कंसंट्रेट करना है, ठीक है नहीं? ये वाले कंसंट्रेट करना है। इसके अलावा और कौन कौन सी रिएक्शंस जो आएंगी वो मैं आपको बता दूं। एक हमारी आएगी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, इसका उपयोग होगा समय समय पर बच्चों, और एक्वस और एल्कोहलिक KOH का भी यूज आपका ज्यादा होगा आपकी रिएक्शंस में। इन सब का यूज आपका बहुत अधिक होने वाला है, तो इस बात को बेटा आपको नोट कर लेना है कि कार्बन बढ़ने वाली रिएक्शन सामान्यतः इससे करेंगे, कार्बन घटने वाली रिएक्शन। कुछ मुख्य पदार्थ हैं जिनसे होने वाली रिएक्शंस ज्यादातर कन्वर्जन में काम में आ जाती हैं। इसके अलावा बच्चों आपको एक रोड मैप आएगा, क्या आएगा? एक रोड मैप आएगा जिसमें लिखा होगा कि जो कंपाउंड है, एक रोड मैप आएगा उसमें लिखा होगा ये कंपाउंड ए है और वो केमिकल रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनाता है, ऐसे तरह का लिखा होता है। ए बी सी डी को पहचान लिए, बी दे दिया फिर सी दे दिया, इनको पहचानना एक रोड मैप आता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है बेटा, रोड मैप आता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। रोड मैप में दो तीन रिएक्शन बहुत अच्छी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको पिछले कालांशों में बताई हैं। सबसे पहली बात कि आपको जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला से आपको आइडिया लगा लेना है। एक आइडिया है बेटा, ये कंफर्मेशन नहीं है, मॉलिकुलर फॉर्मूला से आपको एक आइडिया लगा लेना है किसका? कंपाउंड का। कंपाउंड का आपको आइडिया लगा लेना कि हमारा कंपाउंड कौन सा हो सकता है। ये नहीं कह रहा मैं कि वो होगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, कुछ आइडिया लग जाएगा। कैसे लग जाएगा आइडिया बेटा? अगर हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2ओ वाला मॉलिकुलर फॉर्मूला है, जैसे C5H12O दिया है। क्या दिया है बेटा? CnH2nO+2 है ना, लिखा है। अच्छा, C2H5CH3OCH2H5 हो गया क्या? C5 और CH2 आएगा ना, ठीक है। अगर ये दिया है मॉलिकुलर फॉर्मूला तो हमारा कंपाउंड जो होगा वह एल्कोहल या ईथर हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं? हमारा कंपाउंड एल्कोहल या ईथर हो सकता है। जब रोड मैप आता है, मॉलिकुलर फॉर्मूले का क्वेश्चन आता है, तो हमारा कंपाउंड एल्कोहल या ईथर हो सकता है। दूसरी बात, यदि हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला CnH2nO दिया है, क्या दिया है बेटा? CnH2nO दिया है, जैसे हम दे रखा है C5H10O, ऐसा दे रखा है मान लो फॉर्मूला। तो
तो हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है बेटा, ये हो सकता है, इसलिए इससे हमें थोड़ी डायरेक्शन मिल जाती है रिएक्शन करने में। एक एग्जांपल भी बताऊंगा मैं आपको। अगर हमारा फॉर्मूला CnH2nO2 है, तो हमारा कंपाउंड जैसे हम लिख रहे हैं C4H8O2, ये लिख दिया मान लो हमने C4H8O2 लिख दिया, तो हमारा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर हो सकता है। अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन आ जाए, तो सामान्यतः आपके सिलेबस में एमाइन ही है, डाइएजोनियम सॉल्ट है, तो एमाइन या डाइएजोनियम सॉल्ट होगा, ठीक है नहीं? इसके अलावा अगर आपका कार्बन हाइड्रोजन एप्रोक्स, क्या कह रहा हूं मैं, लगभग N1 N2 लिखा हमने अभी, लगभग एक से हो जाए, कौन N1 इक्वल टू N2 एप्रोक्स इक्वल हो जाए, अगर लगभग बराबर हो जाए, बराबर के नजदीक आ जाए, तो हम यह समझेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वह एरोमेटिक हो सकता है। यानी कैसा आ जाए, इसमें ओ भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, इसके अलावा तो ओ भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, NO2 भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे ये लिखा है, अगर यहां लिखा हो जैसे हम लिख रहे हैं C6H5COCH3 लिखा है अगर, तो कितने हो गए भाई, C7H8 कितने हो गए बेटा, लिखा है C7H8O ऐसा लिखा है अगर, तो निश्चित बात यह क्या होगा बेटा, यह एरोमेटिक हो सकता है। क्या हो सकता है? एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्याएं लगभग बराबर के नजदीक आ रही है। यहां तो डबल डबल आ रही थी ना बेटा, यहां लगभग बराबर आएंगी, तो वह एरोमेटिक कंपाउंड आपका हो सकता है। क्या करूं मैं, वह एरोमेटिक कंपाउंड आपका हो सकता है, हो सकता है वह एरोमेटिक कंपाउंड हो, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको याद रखना है रोड मैप में। इसके अलावा रोड मैप में और क्या आता है बेटा, और क्या याद रखना है आपको? तीन चार रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये कार्बोनाइल ग्रुप का जो हमने टेस्ट किया था, इसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था और वाटर निकला था, ये हमने पढ़ा था, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, लॉस ऑफ वाटर, ये भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी। इस रिएक्शन का भी हम व्यापक उपयोग करेंगे। जैसे हम ये वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली, 2,4-डाइनाइट्रो प्रोडक्ट जो था ना, ये वाली, ये क्या था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजिन, ये वाला रिएक्शन भी बहुत यूज है। इसमें येलो या ऑरेंज, येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बना था। इस रिएक्शन का भी बेटा व्यापक उपयोग होना है, इस रिएक्शन का व्यापक उपयोग होना है, कब, जब रोड मैप आपका आएगा। ये एल कार्बोनिल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है, यानी कि जो जो जिन पदार्थों में कार्बोनिल ग्रुप होगा वह ये टेस्ट देंगे, वह ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे। अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट दे दे तो कार्बोनाइल हो गया। दूसरी बात, आपको कौन सा याद रखना है, आपको टोलेन रिएजेंट याद रखना है, टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक को याद रखना है, फेहलिंग सॉल्यूशन, कौन सा बेटा, फेहलिंग विलयन भी याद रखना है। यह केवल किसके लिए टेस्ट देते हैं, केवल एल्डिहाइड के लिए टेस्ट देते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। तीसरी बात, आपको जो हमने अभी बताई थी हेलो फॉर्म अभिक्रिया भी याद रखनी है, जिसमें क्या हुआ था, जो मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप की थी, किसकी थी, मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन थी, वह भी आपको याद रखनी है। हेलो फॉर्म रिएक्शन की भी बेटा बीच बीच में चर्चा हो सकती है, वह याद रखना है। दूसरी बात,
अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड आता है अनसेचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसके, एल्कीन और एल्काइन, अगर है कहीं तो वह ब्रोमीन ब्रोमीन जो है ना, या हम कह रहे हैं एल्किलाइन के एम एन ओ फोर, एल्किलाइन के एम एन ओ फोर जो कि बेयर रिएजेंट होता है, वह बेयर रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करेगा। दोनों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होंगे, जो पाई बॉन्ड होंगे, वह इससे रिएक्शन कर जाते हैं। अगर ये रिएक्शन नहीं करेंगे तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा, मतलब सेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आता है एरोमेटिक रिंग में, ये इसकी भी व्याख्या की जाएगी। तो इन बातों को बेटा आपको रोड मैप में ध्यान रखना है, इन सब बातों की सहायता से कुछ न कुछ आपका उपयोग होगा। आज बेटा आज ही हो सकता है या कल के कालांश में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब आपका चूंकि एग्जाम आइडिया चालू हो गया है, तो अब लगातार आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, लगातार आपकी तैयारी होती रहेगी। मैं अपेक्षा रखूंगा सभी बच्चे पूरे मनोयोग से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।